हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला और आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूं ढाबे स्टाइल वाला शाही पनीर, जो बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपके घर में मौजूद होते हैं, इजीली आपको मिल जाएंगे। और चार मेन इंग्रेडिएंट्स है, पनीर है, टोमेटो है, प्याज है, दूध है, इसके चार इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और ये हमारे तमाम स्पाइसेस है। और इसको भगाने के लिए मैंने इसमें ज़ीरा लिया है आधा चम्मच, एक चम्मच मैंने कस्तूरी मेथी ली है, टर्मरिक ली है मैंने आधे चम्मच, एक चम्मच मैंने कोरिएंडर लिया है पाउडर और एक चम्मच मैंने ली है रेड चिली पाउडर। अब 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है, 1 चॉप टोमेटो लिया है, 1 चॉप प्याज ली है, ऑयल लिया है और मिल्क लिया है। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स जो बहुत ज़रूरी हैं पनीर के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट कुकिंग। कुकिंग करने के लिए हमें सबसे पहले पनीर को फ्राई करना है और हमें लाइट ब्राउन इसको फ्राई करना है, जलाना नहीं है। और हम इसलिए इसको फ्राई करते हैं क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है, इसे फ्राई करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं इसको हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल ले रही हूँ, ये देखिए मैं इसको बॉल में निकाल, मैंने ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया है फ्राई करते टाइम, थोड़ा सा कम ऑयल में हल्का सा मैंने इसको फ्राई करके निकाल लिया है। ये देखिए हमारा पनीर ये फ्राई हो चुका है। नाउ थर्ड स्टेप इज़ हमने ऑयल डाला है एक कढ़ाई में और अब इसको गर्म होने के बाद मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पकेगा, इसको ब्राउन हो गया है ज़ीरा, अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को भी फ्राई करके ब्राउन कर लेंगे, थोड़ी देर में इसको चलाऊँगी और फिर ये ब्राउन हो जाएगी। बस ब्राउन होने तक इसको अच्छे से चलाना है। ये देखिए मैं इसको चला रही हूँ, बस इसको बस इतना चलाना है कि हल्की लाइट ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है इसको, बस लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, टमाटर मैंने बड़े साइज़ का लिया, याद रखिए टमाटर बिग साइज़ का लेना है आपको, 200 ग्राम के साथ बिग साइज़ टमाटर, बिग साइज़ प्याज दोनों ही, अब बारीक चॉप करके रखना है इसको। इसको अब टमाटर अपना पानी छोड़ के सॉफ्ट होगा तो मैं इसमें तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करूँगी 1 by 1 करके। ये टमाटर गल चुका है, अब मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 teaspoon चिली पाउडर, 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 1/2 teaspoon टर्मरिक पाउडर और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना ज़रूरी होता है जब स्पाइसी आप सूखे डालते हैं। तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी डालूँगी 1/2 cup। ये देखिए पानी इसको, ताकि मसाला हमारा जले ना। तो अब मैं इसमें पानी डाल के थोड़ी देर और चलाऊँगी तेल आने तक ऊपर, इसको चलाना है थोड़ी देर। और इसमें थोड़ा सा नमक मैं ऐड कर रही हूँ, ये मैंने नमक ऐड कर दिया है, इसको थोड़ी देर और चलाऊंगी। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि मसाला जले ना, मैं और थोड़ी देर चलाऊंगी अच्छे से। ऑयल आने के बाद इसमें थोड़ा सा पनीर और ऐड करना। अच्छा, मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, मैंने 4 tablespoons डाला है ऑयल, पनीर में ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयल होता है। तो ये देखिए मैंने फ्राइड वाला पनीर मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी, पनीर को अच्छे से इसमें कोट कर लूंगी भुने मसाले के अंदर। अब ये पनीर भी इसके अंदर भून चुका है। अब इसको अच्छी तरह भूनने के बाद मैं 1 cup दूध मिला रही हूँ, ये देखिए इसको दूध मिला के थोड़ी देर से पकाऊँगी मैं, ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। देखिए इसकी ग्रेवी अब ये गाढ़ी हो चुकी है। और अब मैं इसके अंदर कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, इसको मैं हाथ से मसल के और इस तरह से मैं डालूँगी और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप कस्तूरी मेथी ना डालें तो वो टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए इसका टेस्ट लाने के लिए कस्तूरी मेथी को ऐड करना ज़रूरी होता है। और ये ऑलमोस्ट ढाबा स्टाइल वाला शाही पनीर तैयार हो चुका है। बस इसको थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसकी आप ग्रेवी देखिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना बहुत ज़्यादा पतली है, इसको मीडियम रखना है। नाउ इट्स रेडी टू ईट। बस ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। बस जाने से पहले इतना कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। और अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर एंड बाय बाय।